तो हाय गाइस, मेरा नाम है सम्राट और आप देख रहे हैं हीरो 10। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अल्टीमेट एलियंस की वीकनेसेस के बारे में, क्योंकि अल्टीमेट एलियंस की भी बहुत सारी वीकनेसेस होती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, इट्स हीरो टाइम। तो गाइस, बेक्चेल एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अल्टीमेट फॉर्म है और हमने उसे बेंटन अल्टीमेट एलियन में कई बार देखा है, और बैन कई बार अल्टीमेट बेक्चेल की दम पे जीता है, और बैन के हिसाब से अल्टीमेट बेक्चेल ही सबसे ज़्यादा पावरफुल अल्टीमेट फॉर्म है। तो इस अब आपके लिए लग रहा होगा कि अगर ये इतना पावरफुल है तो इसकी वीकनेस क्या होगी। तो इस हर एक एलियन की एक वीकनेस तो होती है, सिर्फ एलियन एक्स ही है जिसकी कोई भी वीकनेस नहीं है। तो इस अल्टीमेट बेक्चेल की वीकनेस है वल्नरेबिलिटी टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के सामने अल्टीमेट बेक्चेल धीमा पड़ जाता है। तो इस ये थी अल्टीमेट बेक्चेल की वीकनेस। तो अब हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट एलियन को। तो इस अब हम बात करने वाले हैं अल्टीमेट कैनन बोल्ट के बारे में। अल्टीमेट कैनन बोल्ट को तो आप सब जरूर जानते होंगे। अल्टीमेट कैनन बोल्ट बेंटन अल्टीमेट एलियन की शान है और अल्टीमेट कैनन बोल्ट के कई फैंस हैं, और अल्टीमेट कैनन बोल्ट हमें बेंटन अल्टीमेट एलियन में कई बार दिखाया गया है और उसने हर बार ही बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट की है। तो इस बिना किसी देरी के अब हम जान लेते हैं अल्टीमेट कैनन बोल्ट की वीकनेस। उसकी वीकनेस है कि वो स्टिकी सरफेस में नहीं लड़ पाता। इसी वीकनेस की वजह से अल्टीमेट कैनन बोल्ट चंद्रा से लड़ते लड़ते हार गया था। तो ये हो गई अल्टीमेट कैनन बोल्ट की वीकनेस। अब हम जान लेते हैं अपने नेक्स्ट एलियन की वीकनेस। तो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं अल्टीमेट स्पाइडर मंकी के बारे में। अल्टीमेट स्पाइडर मंकी बहुत डरावना दिखता है, मुझे बचपन में उससे बहुत डर लगा करता था, वैसे तो मुझे अभी भी उससे बहुत डर लगता है। और अल्टीमेट स्पाइडर मंकी भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अल्टीमेट फॉर्म है। वो बेंटन अल्टीमेट एलियन में कई विलन से लड़ चुका है, और जब जब अल्टीमेट स्पाइडर मंकी आते था फैंस बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि अल्टीमेट स्पाइडर मंकी की बात ही कुछ अलग है। तो गाइस, बिना किसी देरी के अब हम जान लेते हैं अल्टीमेट स्पाइडर मंकी की वीकनेस, वेब शूटिंग लिमिटेड। जी हाँ गाइस, अल्टीमेट स्पाइडर मंकी की वेब शूटिंग लिमिटेड ही है, ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड वेब फेंक सकता है। तो गाइस, अब हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट एलियन को, अल्टीमेट बेबिक। हमें अल्टीमेट बेबिक से एक ही बार दिखाया गया है और वो उसी फाइट में हार भी गया था। भला ही वो हार गया था, पर उसको देख के फैंस बहुत खुश हुए थे, क्योंकि अल्टीमेट बेबिक के पास कुछ ऐसी पावर है जो उसके लिए बहुत अलग बनाती हैं। और अल्टीमेट बेबिक की कई वीकनेसेस हैं, और उनमें से एक वीकनेस मैं आपको अभी बताता हूँ, वल्नरेबिलिटी टू एनर्जी। अगर उसके ऊपर कोई एनर्जी मारे तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये तो हो गई अल्टीमेट बेबिक की वीकनेस। अब हम जान लेते हैं अपने नेक्स्ट एलियन की वीकनेस, अल्टीमेट स्वॉर्म फायर। जी हाँ, अल्टीमेट स्वॉर्म फायर। अल्टीमेट स्वॉर्म फायर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अल्टीमेट फॉर्म है। हमने उसे पहली बार आयरन राइटर पार्ट 2 में देखा था, जहाँ पे वो बिलगैक्स से बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ा था। वैसे तो अल्टीमेट स्वॉर्म फायर के पास बहुत सारी पावर्स एंड एबिलिटीज़ है, पर उसकी एक वीकनेस भी है। तो चलिए पता लगाते हैं वो कौन सी वीकनेस है, वल्नरेबिलिटी टू इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, एग्रीकॉन ने जब अल्टीमेट स्वॉर्म फायर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी फेंकी थी तो वो हार गया था। तो अगर आपके लिए वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसी और अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। अब मिलेंगे और सब वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।